Hey guys, welcome back to my channel. So yeah, hi, I am Pearl Vakil and today again we're gonna do some amazing looks. You can see that. We're gonna do ethnic black and gold makeup look for any of the purpose, dude. So let's get started. Make sure you like the video. So, आज के लुक के लिए जो हम पहला शेड लेने वाले हैं वो है ये सटल न्यूड शेड. वो इसको हम अपने आईलेट्स पे ब्लेंडिंग ब्रश से पूरा ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारे आईलेट्स एकदम न्यूट्रल शेड की लगे. सो लेट्स गो. ऐसे इसको पूरा ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारी आईलेट्स एकदम न्यूट्रल लगे. आप डिफरेंस देख सकते हैं. सो ऐसा ही हम दूसरी आईलेट पे करेंगे. उसके बाद हम ये ब्लैक शेड लेंगे. इसको हम अपनी क्रीज पे लगाएंगे ऐसे. एक ऐसे फ्लैट ब्रश पे ब्लैक शेड लीजिए, उससे अपनी क्रीज पे लगाइए ताकि फिर हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकें ऐसे. ऐसे अपने दोनों क्रीसेस पे ब्लैक कलर का एप्लीकेशन कर दें. ऐसे क्रीज ड्रॉ हो जाए उसके बाद उसको पूरा फिल कर दीजिए. फ्रॉम हाफ आईलिड तक ही फिल करना, इधर से लेके ऐसे, ताकि आगे हम फिर कंसीलर लगा के गोल्डन शेड अप्लाई कर सके ताकि उसका ग्लो अप और ब्राइटनेस ज़्यादा आए. तो ये हम ब्लेंडिंग ब्रश से पूरा ब्लैक कलर को ब्लेंड कर देंगे ताकि वो अच्छे से एकदम सेटल हो जाए. ब्लैक शेड अच्छे से ब्लेंड हो गया है. अभी हम अपनी इनर लिड्स पे कंसीलर लगाएंगे. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ कंसीलर, हमने कंसीलर अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम ये गोल्डन शेड लेंगे और कंसीलर के ऊपर लगाएंगे. ये ब्रश पे हमने गोल्डन आई शेडो लिया है. अभी हम इसको कंसीलर के ऊपर लगाएंगे ताकि वो पूरी तरह से ब्राइट अप हो सके. आप देख सकते हैं गोल्डन कलर कैसे ब्राइट अप हो गया दिख रहा है ब्लैक पे. तो इसलिए हम कंसीलर लगाते हैं गोल्डन कलर अप्लाई करने से पहले. सो दूसरी साइड में ऑफ कैमरा पे कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. गोल्डन कलर के एप्लीकेशन के बाद हम फिर से ब्लेंडिंग ब्लर उस पे ब्लैक कलर लगा के फिर से सब कुछ ब्लेंड कर देंगे ताकि गोल्डन और ब्लैक कलर हमारा अच्छे से ब्लेंड हो जाए और वो हमें एकदम स्मूथ सा आई शेडो लुक दे सके. शेडो ब्लेंडिंग ब्रश पे लेके हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से ताकि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए और एकदम स्मूथ और सटल लुक दे सके. फिर हम ब्लैक आई शेडो अपने लोअर लैश लाइन के नीचे लगाएंगे ताकि वो लुक और भी बोल्ड और ज्यादा अच्छा लग सके. की लोअर लैश लाइन पे ब्लैक आई शेडो लगाने के बाद हम लोग इस पैलेट में से ये वाला शेड लेंगे और इनर ब्रॉ बोन को हाईलाइट करेंगे ताकि लुक हमारा और भी ज्यादा अच्छा आ सके. देख सकते हैं इस तरह से हाईलाइट हो जाने के बाद हम काजल लेंगे और उसको अपने लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे ताकि हमारा लुक और भी ज्यादा बोल्ड हो सके. ऐसे हम अपने लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे और आप देख सकते हैं ये आई और ये आई में डिफरेंस कितना रहा है. ये ज्यादा इंटेंस और ब्लैक हो गई है, इसके हिसाब से हमारा लुक और भी ज्यादा खिल कर दिखेगा. तो सेम मैं अपने लेफ्ट आई पे करती हूँ. आप देख सकते हैं कि हमारा लुक हो गया. इसके बाद हम यूज करेंगे मस्कारा टू इमल्सिफाई आवर लैशेस. इससे हमारा लैशेस और भी ज्यादा लेंथ में अच्छे दिखेंगे और काफी दिखेंगे. सो
सकते हैं कि हमारी आईज पूरी तरह से हो गई है और मैं अपना पूरा फेस देख के आपको लास्ट लुक फिर से आके बताती हूँ। टिल देन बाय। मेरा पूरा फेस हो गया है, मैंने फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोरिंग, ब्लश, हाइलाइटर सब कुछ लगा दिया है। अब फाइनल स्टेप जो बाकी है वो है लिपस्टिक। मैं ये लैक्मे का लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ, तो चलो इसको लगाते हैं। मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। अब फाइनल स्टेप जो है वो है सेटिंग स्प्रे, जिससे हमारा मेकअप पूरा सेट रहता है और वो ज़्यादा कुछ उसमें पसीने से या किसी से भी कुछ खराबी नहीं होती थी। तो चलो हम सेटिंग स्प्रे लगाते हैं। गूगल का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हमने सेटिंग स्प्रे लगा लिया है और हमारा पूरा मेकअप अब सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। गाइस ये है हमारा फाइनल लुक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हो। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट सब्सक्राइब फॉर मोर सच सुपर्ब एंड अमेजिंग लुक्स। स्टे ट्यून्ड। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।